सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एवं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक इरफान अंसारी के समक्ष कांग्रेसियों ने जमकर बवाल काटा, कुर्सियां पटक दी। जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा एवं सतीश केडिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। आक्रोशित कांग्रेसी लोग समारोह स्थल पर ही धरना पर बैठ गए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल को बुलाया गया। करीब एक घंटे के बाद हंगामा शांत हुआ, लेकिन आक्रोशित कांग्रेसियों का धरना जारी रहा। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के संयोजक एवं पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह समेत पुराने एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को शिलान्यास समारोह में सम्मान नहीं देने एवं अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगा। दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं नेता जिला अध्यक्ष का विरोध कर रहे थे। समारोह में पूर्व विधायक केशव महतो कमलेश, आलोक दुबे, अजय कुमार सिन्हा, नवीन चौरसिया, धनंजय सिंह, नरेश वर्मा, सतीश केडिया, अमित सिन्हा, उमेश तिवारी, मंजू कुमारी सहित कई नेता मौजूद थे। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। ये काम कांग्रेस ने, रामदास अठावले जी अभी ऑफर देकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा बात कह रहे हैं राजनीति में। अठावले जी को मैं बढ़िया से जानता हूँ, जब मेरे पिताजी सांसद हुआ करते थे तो मैं जानता हूँ। उस समय वो हमारे साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, आज भाजपा के साथ थे। उनका ऑफर है, उनका ऑफर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल ट्रैक्टर रैली को क्या तैयारी की गई? जबरदस्त तैयारी है। देखिए, हमारे जिला में हो रहा है, मैं हजारीबाग के परिवार में हूँ, रैली तो गर्व की बात है और मैंने सारी शक्ति लगा दी। कल देखिएगा, अभी अटल जी ने कहा कि जिस तरह से गांधी जी आए थे उसी प्रकार जितने लोग जुटे थे, हमें लगता है कि उसी तहत हम लोग उसी के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि वो रैली को हम लोग कल मार देंगे। आपने कहा था गिरिडीह जिला में भी कांग्रेस कमेटी जो हो उसमें कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको लेकर आप क्या? मैंने कहा कि जो इनका मेरिट है उनको आगे लाना चाहिए, मेरिट को मत दबाइए। जिसकी जितनी आबादी है उसी तरह उनको भागीदारी मिली। मेरिट को दबाया जा रहा है? नहीं, मेरिट को कहाँ दबाया, मैंने कहा है, मैंने मांग किया था जी, तो मेरे सामने है, मिलना चाहिए ना। हमारे गुजरात खटता है, जो वोट देता है उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग किस मुँह से हम लोग जाएंगे? तो यही लड़ाई थी मेरी, तो हम लोग क्लियर कर लिया था जी। मैंने कहा आज जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या करें? कुछ नहीं कहा, तो जी ने कहा देखिए जहाँ बर्तन रहे, दो बर्तन रहेगा तो ठीक है, आवाज तो आएगा ही। तो क्या समझते कि पार्टी यहाँ पर जिला कमेटी में ठीक ठाक नहीं चल रही? ऐसा है, मैं वो सारे कमेंट नहीं करता, मैं खुश होता हमारी पार्टी जीतता है और मैं भाषण दूँ, हमारे साथ में भाषण दें, आप कुर्सी में बैठ कर घूमे हो जाए ऐसे संगीत नहीं चाहते। अल्लाह करे खुश होते हैं, क्या उसके दिल में है वो निकाले अपना भाड़ा, उसको बहुत हमको मालूम हो गया ना कि क्या कमी है। अगर कोई कमी है तो उसके बारे में हमको मालूम हो जाता है और मैं खुद उसको सुधार की कोशिश करूँगा, पार्टी को सुधारूंगा। कल ट्रैक्टर रैली है, किसके लिए? क्या ट्रैक्टर रैली? बहुत ज़बरदस्त तैयार है, लगभग 2000 ट्रैक्टर्स आएंगे और मटवारी के गांधी मैदान में हजारीबाग और 10,000 से ऊपर लोग आएंगे, 10,000 तक कम हो रहा है, ऊपर जितना आना होगा ऊपर आएंगे सभी। हम लोग पूरे राज्य के लोग जुटेंगे, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोग आ रहे हैं और जो जो किसान है वो आ रहे हैं। सबसे खासियत ये है कि किसान आ रहे हैं अपना ट्रैक्टर लेके। ट्रैक्टर किसके पास होता है? किसान के पास, उद्योगपति के पास तो होता नहीं है। किसान लोग आ रहे हैं, देखे केंद्र सरकार, देखे राज्य की भाजपा पार्टी, देखे कहती है कि किसान लोग नहीं होते हैं शामिल, ताकि देख लो, पहचान लो, खेत पूछ लो, हथियार का नंबर भी ले लो, सब प्लॉट नंबर कितना हुआ है इसका, ये सब देख लो। किसानों की रैली कर रहे हैं, किसानों की आग्रह पर, किसानों के कहने पर कल होगा। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक होगा। 1940 में जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, लाखों की संख्या हम लोग जुटे थे रामगढ़ में 1940 में।